आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। एक खास खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो खुशी ये थी कि मेरे पापा ने मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का शौक था, मगर पापा मेरी शादी करना चाहते थे। खैर, मम्मी के काफ़ी मिन्नतें करने पर वो मान गए थे। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। स्कूल के मुकाबले यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा थी। मैंने महसूस किया कि लड़कियाँ मुझे मुड़ मुड़ कर देखती थीं। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती भी पूरे खानदान में मशहूर थी, और शायद इसी वजह से पापा मुझे अकेले कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे। खैर, उन्होंने मेरे आने जाने के लिए एक रिक्शा लगवा दिया। रिक्शे के अंकल पापा को जानने वाले थे, बड़ी उम्र के आदमी थे, सो घर जैसी ही बात थी। पहले दिन तो ठीक रहा, मुझे उन्होंने वक्त पर कॉलेज छोड़ा और वक्त पर लेने भी आ गए। मैं भी बेफिक्र हो गई। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल ने मुझे बिना बताए ही रिक्शा एक अनजानी रास्ते पर मोड़ दिया। यह रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। जब रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो मेरे दिल में शक सा आ गया। मैंने अंकल को रोकना चाहा, मगर शायद रिक्शे के शोर की वजह से वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पाए। इस बात से तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। मैं डर के मारे पसीने से लथपथ हो गई। कभी तो मैं रिक्शे से उतरने का सोचती थी, मगर फिर ख्याल आया कि चलते रिक्शे से छलांग लगाना बहुत बड़ी गलती होगी। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूंगी। थोड़ी देर बाद अंकल ने रिक्शा रोक दिया। मेरा तो दिल ही धड़कना बंद हो गया था। आने वाले वक्त के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। सोच रही थी कि अगर कुछ हुआ तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं तो अभी अभी स्कूल से निकलकर कॉलेज में आई थी। खैर, अंकल ने रिक्शे से उतरकर एक दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और एक 14-15 साल की लड़की एक अधेड़ उम्र औरत के साथ बाहर आई। औरत ने अंकल से कुछ नहीं कहा, चुपचाप बात किए बिना दरवाजे से अंदर चली गई। जबकि लड़की आकर रिक्शे में बैठ गई, तब जाकर मैंने सुकून की सांस ली, वरना तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। लड़की रिक्शे में आकर बैठी तो मुझे कुछ सहारा हुआ। उसने नकाब पहन रखा था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो बड़ी बड़ी और भूरे रंग की थी। उसके सफेद हाथ और कागजी उंगलियां उसकी खूबसूरती दिल ही दिल में मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ 2-3 बार देखा, मगर वो मेरी तरफ नहीं देखी। खैर, मैं भी अंकल के मारे चुप रही। उससे बात करना ठीक नहीं समझी। वही बात नहीं करना चाहती थी तो मैं क्यों करती। रास्ते भर हम चुप रहे, कोई बात नहीं की। घर आकर मैं घर के काम करने में लग गई और फिर उस लड़की को भूल गई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए रिक्शे में बैठी तो मुझे रिक्शे में बातों की आवाज़ आई। पास पहुंची तो वो लड़की और अंकल बातें कर रहे थे। मेरे आने पर वो दोनों चुप हो गए। उनकी यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई और कुछ अजीब भी लगा, मगर मैं चुप रही, क्योंकि ये उनका आपस का मामला था। आज भी उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने कॉलेज में एक नई सहेली बना ली थी। मैंने उससे उस लड़की का जिक्र किया तो उसने मुझसे कहा कि कोई खतरे वाली बात भी हो सकती है। आजकल अगवा करने वाले लोग भी ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मगर न जाने क्यों मुझे महसूस नहीं हुआ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा ही करना होता तो मेरे पापा भी जमाने को पहचानने वाले इंसान थे, वो भला क्यों उन पर भरोसा करते। दूसरा यह कि अगर कुछ ऐसी बात होती तो आज तक मुझे उसका पता तो चली जाता। खैर, मैंने लड़की की बात को दिमाग से निकाल दिया, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वापसी पर भी मुझे वो रिक्शे में बैठी मिली। और फिर ये सिलसिला जारी रहा। ये सुबह आती तो रिक्शे में बैठी रहती, और शाम को छुट्टी में अंकल मुझे वापस लेने आते तब भी वो लड़की रिक्शे में ही बैठी रहती थी। यहाँ तक कि मेरा घर आ जाता और अंकल मुझे घर के बाहर उतारते थे, वो रिक्शे में ही बैठी रहती थी। अब तो मुझे उसमें दिलचस्पी सी हो गई थी। वो रोज एक ही तरह के नकाब में होती और कोई बात नहीं करती और ख्यालों में गुम रहती थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी और बात भी करना चाहती थी, क्योंकि सारे रास्ते में मैं अकेली बोर होती थी। अगले दिन मैंने उससे बात करने की सोची,
मैंने हिम्मत करके उसका नाम पूछा। थोड़ी देर वो मुझे खामोशी से देखती रही और फिर धीरे से बोली, जी मेरा नाम सुमेरा है। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझसे भी मेरा नाम पूछेगी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मगर उसने कुछ नहीं पूछा, तो मुझे और ज्यादा बात करना ठीक नहीं लगा। आने वाले दिनों में हमारी कोई बात नहीं हुई। अब बस इतना हुआ था कि मैं उसे मुस्कुराकर देखती तो वो भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देख लेती थी। अब मुझे लगने लगा था कि वो मुझसे बात करना चाहती थी, मगर डरी सहमी रहती है, इसीलिए वो मुझसे कुछ कह नहीं पाती थी। अक्सर उसकी आंखों में सवाल होते, मगर फिर भी कुछ सोचकर चुप हो जाती थी। लफ्ज उसके हलक में ही अटक जाते थे। शायद वो बात करना चाहती थी, मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फोन किया। फोन सुनते उन्होंने रिक्शा रोका और साइड पर लगाया। रिक्शे से बाहर निकलकर वो मेरे सामने आकर बोले, बेटा मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं बैठे रहना, यह सुरक्षित जगह है, कहीं उतरकर इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं भी अच्छा कह के बैठ गई और दिल में भगवान का शुक्रिया किया कि आज सुमेरा से बात करने का मौका मिलेगा। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी और कहा, आप कहाँ से आती हैं? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफी दिन हो गए हैं, मैं अकेली रास्ते भर बोर हो जाती हूँ, आपसे बात करने का दिल चाहता है, मगर आप जवाब नहीं देती तो मैं भी चुप हो जाती हूँ। मैंने एक ही सांस में बहुत सारी बातें कह डाली थी, क्योंकि आज मुझे उससे बात करनी थी। यह सुनना था कि सुमेरा की मुस्कुराहट भी लौट आई, हालांकि वो हैरान परेशान बैठी थी। इतने दिन रिक्शे में साथ आने जाने की वजह से हम में अपना पंसा लगा हो गया था। उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, मगर बस अपने पापा की वजह से चुप रहती हूँ। उसके मुंह से पापा सुनकर मैं समझ गई कि वो रिक्शे वाले अंकल की बेटी है। फिर सुमेरा ने इधर उधर देखा और बोली, अगर मेरे पापा आते दिखाई दे तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी से बात करूं। हाँ, पर मेरे पापा आपको अच्छा समझते हैं, इसीलिए मुझे भी आप अच्छी लगती हो। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं, तो शायद और भी अच्छा हो जाए, आप मुझे समझ जाएंगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने भी खुश होकर कहा कि हाँ सुमेरा, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि सुबह शाम तुम रिक्शे में क्यों बैठी रहती हो, अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। खैर, फिर उसने बताना शुरू किया कि मेरे पापा रिटायर गार्ड है, हम एक गरीब खानदान से हैं, क्योंकि मेरे पापा किसी बड़े पद पर नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर के हालात ठीक चल रहे थे। मेरे पापा ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरे पापा जैसे आज आपको दिख रहे हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं थे, बहुत खुश मिजाज, हसमुख और मिलनसार थे। कभी उन्होंने किसी से मिलने से हमें नहीं रोका था। कभी किसी जमाने में मेरे पापा के अपने बहुत दोस्त थे, जो उनकी छुट्टी आने पर उसे मिलने आया करते थे। एक दोस्त मेरे पापा के सुरेश अंकल थे, जिनका मिजाज तो बिल्कुल पापा जैसा था। हाँ, उम्र में वो थोड़े मेरे पापा से कम थे, मगर रहन सहन, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह करते थे, इसीलिए वो भी मेरे पापा को भाइयों की तरह चाहते थे। मेरे पापा का रिश्ता भी उनके साथ काफी मजबूत था। उनका हमारे घर काफी आना जाना था, और फिर पापा ने उनकी सराफत को देखते हुए हमारी छोटी बुआ यानी कि अपनी बहन की मंगनी भी उनके साथ कर दी। मेरे दादा दादी की मौत के बाद पापा ही मेरे बुआ के रक्षक थे। बाकी बुआ तो ब्याही जा चुकी थी, मगर एक छोटी बुआ थी जो रह गई थी। पापा ने उनका रिश्ता सुरेश अंकल के साथ कर दिया। सुरेश अंकल मेरी बुआ के लिए एक बेहतरीन जोड़े के रूप में साबित हुए थे। इस रिश्तेदारी के बाद वो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए। अगर पापा नहीं होते तो वो हमारा ख्याल रखते थे, दूध पानी वगैरह दरवाजे पर दे जाते थे। एक बार जब मेरे पापा को 5 महीने लगातार छुट्टी नहीं मिली, इस दौरान सुरेश अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। बुआ से शादी के बाद भी उनकी फिक्र हमारे लिए कम नहीं हुई थी। वैसे भी हमारी बुआ काफी गुमसुम थी,
उनको बाहर आना जाना पसंद नहीं था, लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। सुरेश अंकल काफी हसमुख थे, वो अक्सर हमें घुमाने लेकर जाया करते थे। हम भी मम्मी के साथ खुशी खुशी चले जाते थे। मुझे और मम्मी दोनों को ही सुरेश अंकल बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम ना समझते, हमें कुछ समझ में नहीं आया, मगर धीरे धीरे मुझे अंकल का और मम्मी का यूं हंस हंस कर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी मम्मी के होते हुए सुरेश अंकल मेरे पापा का मजाक उड़ाने लगते। वो अक्सर मेरे पापा का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई, जब वो शाम के बाद हमारे घर आए तो उनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दबाते हुए वो मम्मी से कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी की खोपड़ी मांगी तो उसने क्या दिया, बकरे का सिर दिया, वो भी बिना दिमाग के। उन्होंने आंख दबाकर मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी भी हंसने लगी। मुझे अपने मम्मी की ये हरकत बहुत बुरी लगी। हमारे पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे, फिर इधर मम्मी एक आदमी के साथ मिलकर पापा के काम और उनकी हिम्मत का मजाक उड़ा रही थी। मैं गुस्से से अंकल को देखने लगी, जी चाहा कि उनके मुंह पर मारूं, मगर मम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। यूं ही मैं सातवीं क्लास में आ चुकी थी। मेरा भाई तो अभी तीसरी चौथी में था, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी, मगर मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को मम्मी ने भी महसूस कर लिया था। उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि अब से सुरेश अंकल घर में आए तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना जाऊं। मुझे भी अब अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दिया था। सुरेश अंकल ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और लगातार आते रहे। हालांकि वो हम बच्चों के लिए आते थे, मगर अब हम भाई बहन अपने कमरे में ही रहते थे। अब हम अंकल के साथ बाहर घूमने फिरने के बजाय कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। मम्मी को भी हमारी कोई फिक्र नहीं थी कि हम स्कूल से आने के बाद दोनों कमरे में बंद क्यों रहते हैं। सुरेश अंकल घर आ जाते और मम्मी और वो बातें करते रहते। मैं बचपन से ही समझदार थी। मैं और मेरा भाई मिलजुल कर रहते थे और सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों की बारिश थी। मुझे और मेरे भाई को बहुत डर लग रहा था। उसको तो कहानी सुनाते सुनाते मैंने सुला दिया था, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। यूं लगता था कि छत हवा से उड़ जाएगी। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती थी। वो रात बहुत खौफनाक थी। जब मेरा डर खत्म हुआ तो मैंने मम्मी के कमरे में जाने का सोचा। मेरा भाई मेरे साथ ही सो रहा था। मैंने सोचा मम्मी को बुलाकर इसी कमरे में ले आऊंगी, क्योंकि मेरा भाई नीचे जाग गया तो फिर वो मुश्किल से ही सोएगा। यह सोचकर मैं उठी और दरवाजा खोला और मम्मी के कमरे की तरफ गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर भी अंधेरा था। मैं मम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में जोर की बिजली कड़की और एक लम्हे को सारा मंजर रोशन हो गया। उसी वक्त मैंने मम्मी के कमरे में सुरेश अंकल को देख लिया था। मैंने जो कुछ देखा वो तुम्हें साफ साफ बता नहीं सकती। अभी मैं मम्मी की खिड़की से लगकर खड़ी थी कि मेरे भाई की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं मम्मी की खिड़की को छोड़कर भाई की तरफ भागी। मेरे आने के बाद शायद वो भी जाग गया था। मैंने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, हवा की वजह से वो जाग गया होगा और कमरे से बाहर आने की कोशिश की होगी तो दरवाजे के साथ बनी सीढ़ियों से फिसल गया होगा। उन सीढ़ियों से हम नहीं आते जाते थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लगती थी। एक दो बार मेरा भाई वहां से गिर भी चुका था और शायद बारिश में फिसलने की वजह से वो आज भी अंधेरे में सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने वापस कमरे में आकर देखा, बिजली भी जा चुकी थी, मेरा भाई भी कमरे में नहीं था। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी का दरवाजा बजाया, मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, मगर मम्मी ने दरवाजा खोलने में देर कर दी। दरवाजा खोलकर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि भाई सीढ़ियों से गिर चुका है। इतने में मेरे भाई की सांसें दम तोड़ चुकी थी। हम उसके पास गए तो वो ठंडा पड़ चुका था। मम्मी के पीछे पीछे सुरेश अंकल भी आ गए थे, यकीनन मम्मी के कमरे से ही निकले थे।
उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर भाई के दुख से निकलने के बाद जो कुछ मेरे दिमाग में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने पापा को सब बता दिया। मेरे पापा यह सुनकर दंग रह गए। फिर बोले, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, आप अपनी मम्मी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। पापा ने मुझे कह तो दिया था, मगर उनके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीर थी। उस दिन के बाद से अब वो अक्सर घर रहने लगे थे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं और अब शायद उन्हें 2-3 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी। मम्मी ने उनकी जल्दी जल्दी पैकिंग की और पापा निकल गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद ही सुरेश अंकल हमारे घर आकर हाल में बैठे बातें कर रहे थे। मैं हैरान थी कि मम्मी भाई के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल आई हैं, जबकि मैं अभी तक रोती रहती थी। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता था, उसकी याद आती थी। अक्सर मम्मी के पास आती, मगर वो या तो मोबाइल में होती या फिर सुरेश अंकल आ जाते, वो दोनों बातें करने लग जाते थे। ऐसे में मैं तन्हाई का शिकार हो गई। रह रहकर भाई की मुझे याद आती थी। उस दिन पापा के जाने के बाद सुरेश अंकल और मम्मी कमरे में बातें कर रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी तो खिलकट्टे लगाने में बिजी थी। मैं दबे कदमों से गई और दरवाजा खोल दिया। मेरे पापा सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो दबे कदमों से अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। उसके बाद मम्मी और पापा की लड़ने की आवाजें आती रही। मैं डरी सहमी अपने कमरे में बैठी रही। एक घंटे के बाद जब पापा ने मुझे बाहर बुलाया, वहां मम्मी नहीं थी, शायद वो जा चुकी थी। पापा ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। मैं मम्मी का पूछकर रोने लगी तो पापा ने बताया कि मम्मी इस घर में नहीं आएगी। उस दिन के बाद से मैं और पापा अकेले ही रहते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि मम्मी ने उन पर केस कर दिया है। मेरे पापा को कुछ पैसे देने हैं जो उतारने के लिए रिक्शा चलाते हैं। घर में कोई नहीं होता, पापा को अब किसी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो मुझे अक्सर अपने रिक्शे में ही बिठाए रखते हैं। कुछ दिन मैं अपने बुआ जी के यहाँ रही, मगर पापा वहाँ भी नहीं जाने देते, शायद इसीलिए कि वहाँ मेरी तरह 2-3 बुआ के लड़के रहते हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहूं। मुझे भी घर में अकेले डर लगता है। पापा ज्यादातर औरतों को ही रिक्शे में बिठाते हैं। मैं भी उनके साथ नई नई जगहों पर घूमती फिरती हूँ और शाम को हम घर चले आते हैं। जो औरत उस दिन तुमने देखी थी वो मेरी बुआ थी। पापा किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते, उन्हें चुपचाप रहने की आदत है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मेरे पापा को तुम अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे हैं। अगर तुम अपने पापा से बात करो तो मैं तुम्हारे घर आ जा सकती हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इतवार को बहुत बोर हो जाती हूँ, सारा दिन कमरे से नहीं निकलती। सुबह सुबह घर का काम करके मैं अक्सर खाली ही रहती हूँ। हमें बातें कर ही रहे थे कि अंकल वापिस आ गए। उनके आते ही सुमेरा चुप होकर बैठ गई। मैंने भी उसकी मजबूरी को समझते हुए चुप्पी साध ली। अब मैंने अपने पापा से उसके बारे में बात की तो बोले, बेटा यह उनके घर की जाति मामला है, बेहतर है कि तुम इस बात से दूर ही रहो, और वैसे भी तुम्हें अभी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पापा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मगर मैं सुमेरा के लिए अक्सर घर से कुछ न कुछ बनाकर ले जाती हूँ ताकि उसका दिल लगा रहे। और अंकल और भी मेरे रहन सहन से काफी वाकिफ हैं। अब हम अक्सर रिक्शे में बातें करते हुए आते जाते हैं। अंकल को हम दोनों से बात करने पर कोई एतराज नहीं है, सब कुछ अच्छे से गुजर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।